आखिरकार सीएम केजरीवाल द्वारा इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। तमाम कयासों और खबरों के बीच आज मंगलवार यानी कि 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी सरकार में शिक्षा मंत्री समेत अहम पदों की कमान संभाल रही आतिशी को अगले चुनाव तक दिल्ली का नया सीएम बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल की आवाज पर हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर सभी आप नेताओं ने मोहर लगाई। बता दें कि इसके साथ ही आतिशी बतौर सीएम दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी, जहां उनसे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की कमान संभाल चुकी हैं। ऐसे में सवाल अहम हो जाता है कि आखिर कौन है आतिशी, जिन पर सीएम केजरीवाल ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से ज्यादा भरोसा जताया है। तो चलिए आपको बताते हैं। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। आतिशी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही के घर में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्प्रिंगडेल स्कूल से की, जिसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज में उन्होंने इतिहास की पढ़ाई को पूरा किया। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चेवनिंग स्कॉलरशिप पर प्राचीन और आधुनिक इतिहास में मास्टर्स किया। इसके कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षणिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर्स के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री भी हासिल की। इसके बाद आतिशी ने 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति में कदम रखा और आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले लोगों में शामिल रही। उन्होंने साल 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया। उन्होंने साल 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा में जल सत्याग्रह में हिस्सा लेते हुए वहां से आप नेता आलोक अग्रवाल का सपोर्ट किया था। इस बीच आतिशी 2015 से लेकर साल 2018 तक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एडवाइजरी भी रही। उन्होंने इसके बाद दिल्ली की राजनीति में भी एंट्री ली। उन्होंने साल 2009 के लोकसभा चुनावों में पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गई। इसके बाद उन्होंने साल 2020 में दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और वहां से विधायक बनी। विधायक रहते हुए आतिशी ने दिल्ली की जनता के बीच जाकर काम किया, जहां साल 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाते हुए एक नई जिम्मेदारी सौंपी। आखिरी में बताते चले कि मौजूदा सरकार में आतिशी के पास शिक्षा, जल, वित्त, पीडब्ल्यूडी, बिजली, कानून समेत कुल 14 मंत्रालय हैं, जहां आतिशी अकेली ऐसी मंत्री हैं जिनके पास इतने विभागों की जिम्मेदारी है। अब आप दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज़।